अभी हम आपको गांव दे रहे हैं 15 दिन के लिए, ठीक। उस गांव में जा करके हम इस जनपद में हमारे साथ फाइनलाइज कर देंगे। ऐसे प्रधान को मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसे प्रधान को ढूंढ रहा हूँ कि जो जिसके अंदर वो भावना हो कि अपना घर द्वार सब कुछ न छावर करें। अभी आप लोगों ने देखा था पितरों के मालिक ने अपने बेटे को अपनी संपत्ति नहीं दी, सब क्या कर दिया, दान कर दिया। ये कहानी पूरे वर्ल्ड में बहुत चल रही है, पितरों के जो मालिक अपने बेटे में ऐसे किया, तो बहुत लोगों ने किया वर्ल्ड में, तो बहुत लोगों ने किया, ठीक है। वो अपने संतान को नहीं देते हैं, वो दान दे देते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जनता के लिए। ऐसे भावना के लोग हमने कहा जो हमारे जनपद में 10-15 लोग अच्छे हों उनको मुझे छाँट के दो, तो उसकी मैंने सूची बना दी है। क्या बता दी, नहीं पता नहीं। अभी हम ऐसे लोगों को छाँट करके हम आप लोगों को ग्रुप में उस गाँव में भेजेंगे। क्या भेजेंगे, गाँव। और 15 दिन के अंदर आप लोगों को उस गाँव में यही करना है कि उस गाँव का विकास। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह देश में PM, प्रदेश में CM, गांव में उसी तरह से प्रधान की भूमिका है। वो ठीक है, प्रधान उस भूमिका को नहीं निभा पा रहा, नहीं कर पा रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। तो अच्छे प्रधान को तलाश करके हम ग्रुप में आपको गांव में भेजेंगे। आप लोग 15 दिन के अंदर जा करके गांव में स्टडी करके एक प्रोजेक्ट बना के हमें देंगे। क्या, कि आखिर गाँव के विकास को एक मॉडल के रूप में कैसे विकसित किया जाए। तो ये आपकी गांव की क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी। अब उसके बाद फिर देखूंगा कि आपकी ट्रेनिंग और एक्सटेंड करूं या पोस्टिंग करूं, ठीक है। ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं आपसे काम कैसे दूं, मैं आपसे गांव में दूं या मैं आपको इधर बैठा के पैसा दूं। बहुत सारे अधिकारी आते हैं, लोग नहीं पोस्टिंग करते, बैठे रहते हैं, पैसा देते रहते हैं, लेते रहते हैं। हम आप लोगों को एक नए ढाबे में ढालना चाहते हैं। हम एक आपको एक ऐसा पेपर को बना देना चाहते हैं कि फिर आपकी जब पोस्टिंग हो तो आप एक अच्छे वर्कर के रूप में गांव में जाओ, आपको पूरा नज़ारा मालूम हो कि क्या करना है। अब आपको गांव में जाना है तो गांव में जाने के पहले स्टेक होल्डर्स बहुत हैं। क्या ये स्टेक होल्डर क्या होते हैं, तो आपको सबसे पहले सीखना है कि स्टेक होल्डर के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। आपका गांव मॉडल विकास के रूप में चले, ये मेरा सोच है और यही आपका रोड मैप है। अब आप जाओगे तो प्रधान भी काम नहीं करने देंगे, आप जाओगे तो वहाँ का कोई नेता आपके पीछे पड़ जाएगा, मुझे शिकायत करेगा, उसकी कहीं की निगाहें कहीं पर इशारा होगा। तो जब इस दुनिया में आओगे तो बहुत दिक्कतें होंगी। क्या उनको कैसे नहीं दिया जाता है, कैसे सीखना है। आज मैं आपसे बात करने का मकसद क्यों जितना था कि मैं आपको कुछ गवर्नेंस की परिभाषा बता दूँ, एक बार। दूसरा, आपको गांव में जो जाना है, जो गांव में जाना है उसकी भूमिका बनाना है। तो इस समझ में आ गया क्या करना है, तो गांव में जाके जो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है उस पर आपको तैयारी करनी है। और जो 15 दिन आप जा करके 1000 यकीन कितना कॉन्फिडेंट हो सकता है, मेरा ये मानना है कि 1000 है, क्योंकि मोदी जी ने जब मोदी जी आए थे तो आगे तक लोग भागों में लगा करके उन्होंने इसकी लिस्टिंग कराई। तो 1056 प्रोग्राम भारत सरकार के थे, तो उन्होंने पहली साल में आधा DBT किया और आधा ले पा किया। तो अगर 1056 भारत सरकार के हैं तो करीब 300 उत्तर प्रदेश सरकार की होंगे, 200 होंगे, जिसको 1200 रखें। 1200 में कुछ मान लो प्रोग्राम काम देने के लिए नहीं होंगे, तो अमूमन 1000 होगा, 1000 में मान लो तो 800 होगा, 800 प्रोग्राम काम के लिए बहुत होता है। तो इतनी तैयारी आपको करनी है और इसकी हम आपकी पोस्टिंग कर देंगे और आप वही गांव में जाके रहेंगे, ठीक है। अपनी पूरी व्यवस्था बना